वेलकम गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन गाइज। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कांगड़ा फोर्ट, जो भारत के पुराने किलों में सबसे पुराना एक किला, जिसका मैं अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो कांगड़ा के शासकों की निशानी यह किला भूमा चंद ने बनवाया था। बाणगंगा नदी के किनारे बना यह किला 350 फीट इंच ऊंचा है। इसकी पूरी डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वो रास्ते हैं जहां से होके हम इस किले तक पहुंचते हैं, फिर यहां पे आके हमारे को टिकट परचेज करनी पड़ती है। टिकट आप कैश और बाय स्कैन कोड के थ्रू आप ले सकते हैं। 25 रुपये जब जिस टाइम पे मैं गया हूँ, 25 रुपीज़ पर पर्सन का वहां पे टिकट प्राइस था। और अगर आप देखें सो यहां से हम लोग एंटर करने के बाद फिर यहां से किले की चढ़ाई स्टार्ट होती है और इंक्लाइन होके ऐसे ऐसे पूरा ऊपर तक हमें चढ़ के जाना है। इन बिटवीन आप मेरे दोस्तों के साथ मेरी जो भी चिट चैट है वो सुन सकेंगे। ₹25 जाते हुए वापस ले लिया टिकट है। पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया भाई साहब हमारी टिकट वापस। डू नॉट राइट इट ऑन द वॉल। ये लंडे सारे क्या था ये हम कांगड़ा फोर्ट जा रहे हैं। मैं आज इन्हें अपना सेकंड होम दिखाने लाया हूँ। यहाँ पानी की मोटर लगाई हुई थी मैंने, अभी भी लगी हुई है। बस कुछ चीजें मैंने छोड़ दी थी। बेडरूम आपका? नहीं नहीं, एक चेयर लगी थी पर खाली, थक जाओ तो बैठ जाओ। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखा है। अमीरी गेट यहाँ पे आगे, मैं दो चार यहाँ पे गरीबी है यार। यहाँ पे आगे मैं दो चार नोट ऐसे उड़ा देता था, इसलिए मैंने इसका नाम अमीरी गेट रख दिया। जहांगीरी गेट, जहांगीरी की मरी। यहाँ से जहाँ कहीं को मेरा मन करता था ना वहीं निकल जाता था मैं, वहाँ गिर जाते थे। बड़ा गिरा भी इंसान है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम ऊपर आने के बाद अब यहाँ पे इस तरीके से गेटों पे नाम लिखे हुए हैं, दर्शन गेट, गंगा, यमुना। इनका इतिहास तो मैं नहीं कहूँगा मुझे पता है, बट जितनी डिटेल्स मुझे इस किले के बारे में पता है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। कांगड़ा जो किला है, इसका निर्माण कांगड़ा राज्य कटोच वंश के राजपूत परिवार ने करवाया था। ये हिमाचल में मौजूद किलों में सबसे विशाल और भारत में पाए जाने वाले किलों में सबसे पुराना किला है। सन 1615 में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले पर घेराबंदी की थी, परंतु वो इसमें असफल रहा। इसके पश्चात सन 1620 में अकबर के पुत्र जहांगीर ने चंबा के राजा, जो इस क्षेत्र के सभी राजाओं में सबसे बड़े थे, को मजबूर करके इस किले पर कब्जा कर लिया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरजमल की सहायता से अपने सैनिकों को इस किले में प्रवेश करवाया था। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं इस किले के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। कटोच के राजाओं ने फिर मुगल शासन के कमजोर नियंत्रण और मुगल शक्ति की गिरावट के कारण लगातार मुगल नियंत्रित क्षेत्रों को लूटा। फिर सन 1789 में राजा संसार चंद ने अपने
पूर्वजों के प्राचीन किले को बचा लिया। फिर महाराजा जो संचार चंद ने गोरखाओं के साथ कई युद्ध किए थे, जिनमें एक और गोरखा और दूसरी और सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह होते थे। संसार चंद इस किले का प्रयोग अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं को कैद करने के लिए किया था, जो उनके खिलाफ हुए षड्यंत्र का कारण भी बना। सिखों और कटोचों के बीच हुए एक युद्ध के दौरान किले के द्वार को आपूर्ति के लिए खुला रखा गया था। जिस द्वार को आपूर्ति के लिए रखा गया था, वहीं से गोरखा सेना ने इस खुले द्वार में प्रवेश किया था। ये सेना महाराज जो संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक गठबंधन के कारण बनी। इसके बाद सन 1809 में 1809 में गोरखा सेना पराजित हो गई और अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध से पीछे हट गई, सतलुज नदी के पार चली गई। जो अगर आप देखेंगे तो ये किला, अभी लास्ट में मैं आपको जो शॉट्स भी दिखाऊंगा, ये किला जो है नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके दोनों तरफ नदियां हैं, ठीक है। और फिर इसके पश्चात सन 1828 तक ये किला कटोचों के अधीन ही रहा, क्योंकि संसार चंद की मृत्यु के पश्चात रणजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। अंत में सन 1846 में सिखों के साथ हुए युद्ध में इस किले पर ब्रिटिशों ने अपना शासन जमा लिया। परंतु 4 अप्रैल 1905 में आए एक भीषण भूकंप में ब्रिटिशर्स ने भी ये किला छोड़ दिया। उसके बाद से ये किला जो है दोबारा से इस एरिया में नई आबादी बसाई गई और अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, जो हमारा भारतीय पुरातत्व विभाग है वो इसकी देखरेख करता है। सो गाइस, ये इसकी हिस्ट्री थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये किला 350 फीट हाइट पे बसा हुआ ये किला है। इसके एक, ये वैसे तो इसे बोला जाता है कि बाणगंगा के किनारे बसा हुआ है, बट थोड़ा सा जो डिटेल्स हमारे को है हमारे पास, उसमें ऐसा भी कुछ उल्लेख है कि सतलुज नदी और ब्यास नदी, एक तरफ सतलुज एक तरफ ब्यास नदी का जो पानी जो किनारा है वो इसमें लगता है। और यहाँ से जो अगर आप देखेंगे ये पहाड़ियों को भी, तो ये हिमालय की मतलब एक रेंज आप कह सकते हैं, यहाँ से दिखाई देती है। साफ मौसम में ये दिखाई देती है, अदरवाइज अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हो तो फिर नहीं दिखाई देती है। यहाँ से चल के अब इस किले का जो एंड पॉइंट है, मतलब वहाँ स्टार्ट से होके यहाँ पे आके ये किले का एक किनारा है, और इसी किनारे पे आने के बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो जैसा कि बताया गया है कि सतलुज नदी और ब्यास नदी, या फिर आप कहेंगे बाणगंगा, तो वो सारा का सारा जो फ्रंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी डिटेल्स देने की कोशिश की है कांगड़ा फोर्ट की, एंड विजुअल्स में मैंने आपको दिखाया है कि कैसा है कांगड़ा फोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।